इंदौर में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर शासन और प्रशासन द्वारा लगातार बिस्तरों की संख्या बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर इंदौर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने चाचा नेहरू अस्पताल और MY अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने MY अस्पताल में 100 बेड कोरोना संक्रमितों के लिए और चाचा नेहरू अस्पताल में 20 बेड संक्रमित बच्चों के लिए आरक्षित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मंत्री ने अस्पतालों में सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। कोविड के बेड बढ़ाना है और हमारी प्राथमिकता है कि शासकीय स्तर पर ये बेड बढ़ाए जाए, उसी को लेकर आज दो हॉस्पिटल में निर्माण किया गया है, चाचा नेहरू, क्योंकि चाचा नेहरू बच्चों का है और MY में सबने ये निर्णय लिया कि 100 बेड का एक कोविड हॉस्पिटल एक फ्लोर बनाई जाए, एक या दो फ्लोर, वो सभी डॉक्टर और अधिकारी मुआयना कर रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले 2 दिनों में ये 100 बेड का MY में बच्चों के लिए तो हर जगह रिजर्व है, क्योंकि हमारे राज्य का, हमारे मध्य प्रदेश का, इंदौर का भविष्य तो बच्चे ही हैं। लेकिन मंत्री जी, ना तो MGM चाह रहा था, ना चाचा नेहरू अस्पताल प्रबंधन चाह रहा था, ना MY अस्पताल प्रबंधन चाह रहा कि ये कोविड में तब्दील किया जाए। देखो क्या मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, संकट बड़ा है, महामारी बड़ी है और इस संकट के दौर में जहाँ हमें आवश्यकता पड़ेगी हम सबका सहयोग लेंगे, सबका उपयोग लेंगे, क्योंकि